नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति आज। हर सियासतदान को राजनीति की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सियासत की संवेदना मर चुकी है। बाराबंकी के रामनगर में हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बीजेपी के नेता चेहरा चमकाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब एक को बोलने नहीं दिया गया तो दूसरा बच्चों की तरह चीखने लगा। ये उस इलाके का हाल है जहाँ के लोग भूख से तड़प रहे हैं और खुद सीएम उनकी मदद करने पहुंचे थे। विधानसभा है तो बैठ ले, हम बोला नहीं तो हम ना बोले थे बैठ। यूपी की लाखों आबादी डूब रही है, बाढ़ में फंसे लोग दाने दाने को मोहताज हैं और बीजेपी के बहादुर राजनीति चमकाने में जुटे हैं। बाढ़ पीड़ितों के दर्द उनकी भूख से ज्यादा जरूरी हो गई है राजनीति। यकीन नहीं होता तो राजनीति के लिए गिर चुके नेताओं के बोल सुनिए। जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे खुद जाकर सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अनुरोध है अपने हाथ कि पुल के संबंध में माननीय योगी जी के प्रस्ताव दिया गया, आपका मांग पत्र जल्द से जल्द पुल कुछ उसमें जो प्रस्ताव गया था कुछ लंबाई कम है, लंबाई बढ़ाकर के एस्टीमेट बन जाएगा और सेतु निगम के भी अधिकारी साथ में आए थे तब घोषणा की जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। शरद भाई एक मिनट रुक जाइएगा। अरे भाई एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड मंत्री जी हमारी विधानसभा है तुम बैठ ले रहे हो, हम बोला नहीं रहे तो हम ना बोले थे भाई। हाँ हम तो बोले भाई हो कोई जना भी प्रभारी मंत्री चाहे सांसद जी हो हम मंच से बोल रहे थे क्या हमको वहाँ बुलाइए हमारे बिना भाई खड़े रही तो क्या मतलब है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम बोले थे एक मिनट भी। सियासत चमकाने में संवेदना खो बैठे नेता, भूख से तड़पते लोगों का अपहास उड़ा रही राजनीति, माइक पर बोलने को बेताब है बहादुर, बाढ़ में बह रहे लोगों की नहीं है फिक्र। सबको सियासत चमकाने की पड़ी थी, सबको माइक पर बोलना था, मौका था, मंजर भले ही दर्दनाक हो लेकिन राजनीति का दर्द तो जैसे मर चुका था। चंद मिनटों पहले इसी इलाके में सीएम योगी आए थे बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने। पता नहीं मरहम लगा पाई या नहीं, लेकिन कैमरे ने जिसको भी देखा उसे घायल ही देखा। उनके जाते ही नया ड्रामा शुरू हो गया। एक नेता ने बोलना शुरू किया तो दूजा उससे भी जोर से बोलने लगा ताकि पहले की आवाज दब जाए। गौर से देखिए शर्म खोती सियासत के सारे किरदारों को, सारे के सारे बीजेपी के थे। जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे खुद जाकर सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अनुरोध है अपने हाथ से पुल के संबंध में माननीय योगी जी के प्रस्ताव दिया गया, आपका मांग पत्र जल्द से जल्द पुल कुछ उसमें जो प्रस्ताव गया था कुछ लंबाई कम है, लंबाई बढ़ाकर के एस्टीमेट बन जाएगा और सेतु निगम के भी अधिकारी साथ में आए थे तब घोषणा की जाएगी। राजनीति के लिए किसी भी हद तक उतर जाने वाले इन किरदारों से आपका तारुफ कराते। मंच से जोर जोर से किसी रूठे बच्चों की तरह बोलने वाले शख्स का नाम था शरद अवस्थी और दूर मीडिया के सामने बयान दे रहे शख्स थे दारा सिंह चौहान, बाराबंकी के प्रभारी मंत्री, और उनके साथ खड़ी थी इसी इलाके की सांसद प्रियंका रावत। सब सीएम के कार्यक्रम में रामनगर पहुंचे थे, सीएम भी आए थे बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने। गिने चुने लोगों के बीच राहत की पोटली बांट दी गई, ज्यादातर मुंह ताकते रह गए और सीएम लखनऊ के लिए उड़ गए। अब बाढ़ पीड़ित कंफ्यूजन में अपनी व्यथा सुनाए तो किसको। तब तक ये झगड़ा शुरू हो गया कि किसका इलाका और कौन बोलेगा। हमारी विधानसभा है तुम बैठ ले रहे हो, हम बोला नहीं रहे तो हम ना बोले थे भाई। हाँ, हम तो बोले हो, बोले भाई हो। विधायक शरद अवस्थी के हठयोग के आगे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान को झुकना पड़ा। हालांकि सांसद प्रियंका रावत ने विधायक की हरकत के बाद उन्हें जोर की फटकार लगाई। यूपी के तकरीबन 19 जिले बाढ़ में डूब रहे हैं। बाराबंकी में सीएम के कदम पड़े तो लोगों को राहत की उम्मीद दिखी थी, लेकिन उनसे मिली राहत ऊंट के मुंह में जीरे के फोरन की तरह था। उनके जाते ही बाढ़ पीड़ितों की उम्मीद टूट चुकी थी और झगड़े के बीच वो अपना दर्द किसको सुनाए उन्हें ये तक पता नहीं था। हमारा सब लिस्ट में वहाँ पे गल्ला लेने गए थे तो वहाँ पे कह रहे हैं कि जाओ अब गल्ला नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई लफड़ा हो गया है इसलिए गल्ला नहीं बटेगा, जाओ जहाँ जाना हो तहाँ जाइए आप। हाँ, योगी जी बांट रहे तो बांट के चले गए, उसके बाद कोई लफड़ा हो गया था, उसके बाद गए थे तो गाड़ी लेके चले गए, लेखपाल भी चले गए, एसडीएम साहब भी चले गए। जब डूबते और मरते लोगों से ज्यादा चिंता चेहरा चमकाने की हो, जब लोगों की भूख से ज्यादा चिंता कैमरे पर दिखने वाली भूख की हो तो विपक्ष को सवाल पूछना पड़ता है।
सीएम योगी चाहे जितना भी अच्छा काम करें, उनके नेताओं की ऐसी ही हरकतें सरकार के 106 कामों पर पानी फेर देती हैं। कैमरे के सामने नेताओं की इन हरकतों ने इतना तो साफ कर दिया है कि इन्हें किसी की जान से ज़्यादा फिक्र अपना चेहरा दिखाने की है। कैमरा पर्सन मसूद अहमद के साथ कामरान अलवी, समाचार प्लस, बाराबंकी।